नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना श्रीवास्तव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार तो एक जुमले की सरकार है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को झांसी में चुनावी जनसभा की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर देश में कोई सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी है तो वो भाजपा है। जो विकास कार्य हमने शुरू किए थे, भाजपा ने उन्हें रोकने का काम किया है। ये सरकार बस जुमलेबाजी करती है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादियों ने सरकार में रहते हुए अपना काम सही तरीके से किया, मगर आज केंद्र सरकार की हालत आप सभी जानते हैं। झांसी में सैनिक स्कूल अगर किसी ने बनाए हैं तो वो समाजवादियों ने बनाए हैं। और जो अंग्रेज करते थे बांटो और राज करो, वैसे ही हमें और आपको बांट करके राज करना चाहते हैं। लेकिन हम समाजवादी पार्टी और हम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे आदरणीय मायावती जी को भी कि जिन्होंने इस गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये गठबंधन महामिलावट वाला नहीं है, ये गठबंधन है महापरिवर्तन देश में लाने के लिए है। ये महागठबंधन सामाजिक न्याय दिलाने वाला है, ये सामाजिक न्याय दिलाने वाला गठबंधन है। और ये सरकार से भारतीय जनता पार्टी को हटा करके ये दिलों का गठबंधन बना है। और देख लेना, परिणाम जब आएगा तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जीत करके जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पे निशाना तो साधा ही, साथ ही साथ अपनी पार्टी के किए हुए कामों पर कसीदे भी पड़े। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि जनता जागरूक है और उसे सब पता है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि बुंदेलों की धरती पर समाजवादी पार्टी अपना परचम लहरा पाते हैं या नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनऊ।